आप लोग शोर मचा लो पहले, आप शोर मचा लो, आप समस्या बताओ। सीएससी में पैदा होने वाले बच्चों के जन्म प्रमाण पत्रों के दायरे से लेकर 500 रुपए वसूले जाते हैं। साथ ही सीएससी पूरनपुर में प्रसव करने आने वाली महिलाओं के परिवार जनों से 1000 से 5000 रुपए वसूले जाते हैं। इसकी शिकायत पीड़ितों ने सीएमओ से की। शिकायतकर्ता ग्राम अनोजी निवासी रंजीत सिंह ने कहा कि वो अपनी पत्नी का प्रसव करने 20 अगस्त को सीएससी गया। वहाँ रुखसाना नामक औरत ने कहा कि यहाँ प्रसव नहीं होता। वो जयदेवी शुक्ल के घर ले गई जहाँ उसके बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन दोनों की हालत नाजुक थी। तभी इन लोगों ने रात ही में उसकी पत्नी को बाहर निकाल दी, तभी रात गुरुद्वारे में काटनी पड़ी। सुबह उसके बच्चे की मौत हो गई और पत्नी की भी हालत नाजुक बनी हुई है। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, लेकिन कोई न होने का कारण हमाम में सब नंगे है। क्या नाम है आपका? सोनू। हाँ जी। कहाँ रहते हो? मनरिया। 20 तारीख को क्या हुआ आपकी बहन के साथ? क्या नाम है उनका? मेरी बहन का नाम रमनजीत है, गर्भवती थी और उनका बच्चा यहाँ पैदा करवाने के लिए हॉस्पिटल में है सरकारी में। तो यहाँ भी एक महिला ने उनको मतलब धुप्पल मार के कह के बोली, वहाँ भी सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे चले गए। और जाने के बाद में क्या हुआ कि रात 8 बजे खैर बच्चा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई। तो उन लोगों ने और दवा पानी करते करते मतलब 11 बज गए रात के, और रात के 11 बजे हमारी बहन को, जीजा को और मेरी माता थी साथ में, उनको रात में भेज दिया। यहाँ पे कोई रात में घर पे जाने का इंतजाम नहीं था, और उन लोगों ने गुरुद्वारे में रात रह के अपनी भी रात काटी। और सुबह गए 20 तारीख को जो बच्चा हुआ था, 21 रात को जाके बच्चा घर में ख़त्म हो गया। और उसके बाद में हमारी मतलब बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई, तो फिर अब दोबारा हम लेके आए यहाँ पे। तो इनकी सफाई कोई करने वाली होगी, वो डॉक्टर साहब मतलब नर्सें करेंगी। और जिन्होंने जो केस किया उनके पास गए, तो उन्होंने मतलब हम लोगों को देख के दरवाजे बंद कर लिए, और हमें ना तो हमारी कोई बात सुनी, ना हमारा फोन उठाया। पैसे की कोई डिमांड वमांड की थी? हाँ जी, पैसे की डिमांड थी। उन लोगों ने मतलब 6000 रुपए ले लिए। 6000 रुपए ले लिया? हाँ जी। 2000 अच्छा ले गई जो लेके गई थी यहाँ से, और 4000 डॉक्टरानी ने लिया। और क्या हुआ कि 1000 रुपए और मांग रही थी डॉक्टरानी, और उसने हमारी जीजा के हाथ से मोबाइल भी छीना। और 11 बजे उनको यहाँ से भगा दिया, और मोबाइल भी उनका छीन गया। फिर वो जीजा हमारे बोले भी नहीं भी मोबाइल की मैं बहुत ज़रूरत है, तो इसलिए जीजा ने फिर उनसे मोबाइल ले लिया अपना। तो ऐसा इन लोगों ने किया, अच्छी बात नहीं है।